कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को अध्याय 2 से यहाँ पे आईएमपी प्रश्न बता देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से पदार्थ को पहचानिए। पदार्थ को पहचानने के लिए कह रहे हैं, तो पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं, पानी, हवा, कुर्सी, पत्थर, ये पदार्थ है। फूल की सुगंध पदार्थ नहीं है, ठीक है, सुगंध को कभी भी हम पदार्थ नहीं कहते हैं। लोहा पदार्थ है, ठीक है, तो ये सभी पदार्थ है इसके अलावा। चलो दूसरा प्रश्न देखो, एक अभिक्रिया में 20 ग्राम ए तथा 40 ग्राम बी के संयोग से 25 ग्राम सी, 15 ग्राम डी और 20 ग्राम ई बनता है। इन प्रेक्षणों द्वारा द्रव्यमान संरक्षण नियम को बताइए। तो देखो यहाँ पे बहुत आसान है ये तरीका, इन दोनों को जोड़ देना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, उपरोक्त अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो कुल मात्रा क्रियाफल में बने पदार्थ सी डी ई, इन दोनों को जोड़ दो कि मात्रा के योग के बराबर होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन, कोलाइड तथा निलंबन की पहचान करें, कीचड़, दूध, नमक का जल में घोल। ठीक है, तो उत्तर क्या लिखना है, देखो कीचड़ निलंबन है, ठीक है, दूध कोलाइड है, नमक की घोल विलयन है। आगे देखो, निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे शक्कर का विलयन दिया हुआ है, स्याही का जल में विलयन दिया हुआ है, स्टार्च विलयन, नमक का विलयन दिया हुआ है। तो यहाँ पे उत्तर आपको लेना है स्याही का जल में विलयन लेना है, ठीक है, यही बस क्या है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। अब देखो यहाँ पे 250 ग्राम कपड़े धोने के सोडे को 1 किलोग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, इस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो ये गणितीय सॉल्यूशन है, बहुत आसान है। हमें क्या करना है, ये केजी है ना, इसको हमें चेंज करना है ग्राम में, क्योंकि ये कितना है 250 ग्राम। या तो हमें ग्राम को किलो में चेंज करना है या किलो को हमें ग्राम में चेंज करना है, ठीक है, तो हम कर लेते हैं किलो को ग्राम में चेंज, ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो किलो को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम होता है 1 किलो का, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन्हीं दोनों को ना ग्राम में अभी चेंज किए, तीन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1250 ग्राम। अब सूत्र लगा देते हैं, सूत्र में क्या निकालना है, प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ पे ये जो 250 ग्राम है इसको भाग देंगे 1250 ग्राम से और गुणा कर देंगे 100% का, तो ये उत्तर आ जाएगा हमारा 20% यहाँ पे प्राप्त होगा। दूसरा प्रश्न देखो, चावल की मांड की एक दो बूंद की 100 ml जल में घोल कोलाइड है या निलंबन है, कारण सहित समझाइए। उत्तर क्या लिखना है, चावल की मांड का जल में विलयन कोलाइड का उदाहरण है। कोलाइड का उदाहरण क्यों है, क्योंकि इसके कण निलंबन के कणों से छोटे होते हैं, इसलिए यह विषमांगी होते हुए भी समांगी प्रतीत होते हैं। इस विलयन के कणों को अपकेंद्री बल लगाकर अलग किया जाता है, ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देखो तीसरा है, निम्नलिखित को तत्व तथा यौगिक में वर्गीकृत करें, पोटेशियम, चूना, गंधक, कपड़े धोने का सोडा, कार्बन, लेड, सिरका, ठीक है, इसमें हमें चेंज कर मतलब हमें तत्व और यौगिक को क्या करना है, वर्गीकृत करना है, अलग अलग बताना है, ठीक है। तो तत्व क्या क्या है, तो पोटेशियम तत्व है, ठीक है, तत्व बस अभी देख रहे हैं, पोटेशियम तत्व है, गंधक तत्व है और यहाँ पे लेड तत्व है, ठीक है, और एक कार्बन है, ये चारों तत्व हैं, ठीक है, ये प्रकृति में तत्व के रूप में पाया जाता है। और इन्हीं सब से बनता क्या है, जैसे कि यहाँ पे चूना है, चूना बनता है, ठीक है, ये तत्व नहीं, ये यौगिक है। फिर कपड़े धोने का सोडा भी बनाया जाता है, तो ये भी क्या हो गया, यौगिक। सिरका जो अचार हम कहते हैं, अचार जो है ना, अचार का जो रस क्या बोलते हैं, रस कहते हैं या फिर उसे हम सिरका के नाम से ही जानते हैं, तो वो क्या है, वो भी यौगिक है। चौथा प्रश्न देखो, नमक क्या है, तत्व, यौगिक या मिश्रण, समझाइए। तो नमक में जो ये सोडियम क्लोराइड के साथ मिलकर बनता है ना, तो सोडियम होता है हाइड्रोजन प्लस, प्लस आयन रहता है, और क्लोराइड में माइनस आयन निश्चित होता है। तो इन अनुपातों में मिलाकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जिसे हम नमक के नाम से जानते हैं। इसे आसानी से पृथक किया जा सकता है, अतः साधारण नमक सोडियम क्लोराइड एक क्या है, यौगिक है।
पांचवा प्रश्न देखो, शुद्ध पदार्थ संतृप्त विलयन कोलाइड निलंबन। शुद्ध पदार्थ रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व या यौगिक को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। तत्व वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं उसे हम तत्व कहते हैं, जैसे कि सोडियम, तांबा, हाइड्रोजन एक ही प्रकार के तत्व से बने होते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं, क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं, जैसे शुद्ध जल, H2O, नमक, सोडियम क्लोराइड आदि है। अब संतृप्त विलयन को देख लेते हैं। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? तो वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली नहीं जा सकता। यदि विलेय की और मात्रा डाल दी जाए तो घुलने के बजाय निलंबन कणों के रूप में पड़ा रहता है। यदि ऐसी स्थिति में इसे छान लिया जाए तो प्राप्त विलयन संतृप्त विलयन होगा। कोलाइड के बारे में देख लेते हैं। कोलाइड मिश्रण में कणों का आकार विलयन से बड़ी एवं निलंबन से छोटी होती है। ये कण सामान्य आंखों से न तो देखा जा सकता है और न ही नीचे बैठता है, बल्कि अपकेंद्र बल लगाने पर कण अलग हो जाते हैं। इसके कणों में ब्राउनी गति एवं टिंडल प्रभाव पाए जाते हैं। ये अपारदर्शी होते हैं, जैसे कि दूध, स्याही का जली घोल। इसके बाद निलंबन को देख लेते हैं। निलंबन क्या है? इसके कणों का आकार विलयन एवं कोलाइड के कणों के आकार से बड़ी होती है और सामान्य आंखों से देखा जा सकता है। कण धीरे धीरे तली या नीचे में जमा हो जाता है। यह विषमांगी मिश्रण है, कीचड़ युक्त जल, चाक, चूर्ण और जल का मिश्रण है। मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों की अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। इसके गुण अपने अवयवी पदार्थ के गुण से मिलते जुलते हैं। सातवां प्रश्न देखो, विलयन को परिभाषित कीजिए व इनके गुण लिखिए। विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के समागी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के गुण, विलयन के अवयवों को विलेय और विलायक कहते हैं। एक विलयन में एक से अधिक विलेय हो सकता है। विलयन में उसके अवयव परमाणु या अणु के स्तर तक एक समान रूप से मिश्रित होते हैं, अर्थात इनके कण अत्यंत छोटे होते हैं। तीसरा है, अत्यंत छोटे होने के कारण इन कणों को न तो छाना जा सकता है और न ही ये कण इतने भारी होते हैं कि नीचे तली में बैठ जाए। टिंडल प्रभाव को देख लेते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है? जब कोलाइडी मिश्रण में विलेय कण का आकार निलंबन से छोटा और एवं विलयन से बड़ी इस प्रकार होती है कि प्रकाश को फैला देती है, इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब यहाँ पे टिंडल प्रभाव के बारे में एक चित्र दिखाया गया है, कैसे ये काम करता है। तो देखो, ये प्रकाश किरण यहाँ से दिया जाता है, ठीक है, और प्रकाश किरण कोलाइडी विलयन के अंदर दिखाई देता है। ये यहाँ पे दिखाई देगा और कोलाइडी विलयन ये सब क्या है? भरा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, ब्राउनी गति को समझाइए। जब कोलाइड मिश्रण में विलेय के कण अनियमित रहते हैं उसे ब्राउनी गति कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर बताइए। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको क्या देना है जवाब में? ये वे कोलाइड विलयन हैं जिनमें परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आते ही शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेती है, जैसे स्टार्च, गोंद इत्यादि। अब द्रव विरोधी क्या होता है कोलाइडी? तो जब परिक्षिप्त अवस्था परिक्षेपण माध्यम के मात्र संपर्क में लाने से कोलाइडी विलयन नहीं बनता है, बल्कि विशेष विधियों से बने तो उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं, जैसे गोल्ड, आर्सेनिक से अस्थाई कोलाइड। तनु व सांद्र विलयन को समझाइए। तनु विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है तनु विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन, वह विलयन जिनमें विलेय की मात्रा विलायक से अधिक होता है सांद्र विलयन कहलाता है। निलंबन के गुण बताइए। निलंबन के गुण, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन कण आकार में बड़े रहते हैं। इन्हें छनन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है।
13वां प्रश्न देखो, विलयन को परिभाषित कर प्रकार लिखिए। दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलेय पदार्थ के कणों के व्यास के आधार पर विलयन को तीन वर्गों में बांटा गया है, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन या कोलाइड विलयन, निलंबन विलयन। और ये वाला प्रश्न भी आप देख लो, मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाने पर सफेद रंग का ऑक्साइड बनता है, यह तत्व है या यौगिक, कारण सहित बताइए। मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाने पर सफेद रंग का ऑक्साइड बनता है जो कि यौगिक है, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्साइड दोनों मिलकर एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये मैग्नीशियम दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो मैग्नीशियम दो है यहाँ पे, ऑक्साइड के भी दो अणु हैं, दोनों अणु मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर कह रहा है, तो आपको अगर उसका जवाब देना है तो क्या लिखना है यहाँ पे, देखो मिश्रण क्या होता है, मिश्रण में ना बहुत सारे पदार्थ मिलकर बने होते हैं, ठीक है, लेकिन यौगिक में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों के अनुपात में निश्चित रासायनिक संयोग से बनता है, ठीक है, ये निश्चित रहता है, लेकिन इसमें हम अधिक या कम हम कर सकते हैं, तो मिश्रण वही होता है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग देख लेना यहाँ पे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। आगे देखो, किसी एक क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध कीजिए कि शक्कर में पानी का घोल विलयन है, तो सिद्ध करके बताना है। तो देखो, जब क्रियाकलाप किया जाता है तो एक चाय वाली चम्मच में शक्कर को एक कांच के गिलास वाले पानी में मिलाते हैं एवं चम्मच से हिलाते हैं शक्कर, तो शक्कर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, न ही तली में बैठता है और गिलास का विलयन पूर्णतः पारदर्शी है। इसे गर्म करने पर पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और बर्तन में शक्कर का चूर्ण शेष बच जाता है, इसे स्पष्ट होता है कि पानी में शक्कर का घोल विलयन है, ठीक है। विलयन के बारे में ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है, देखो शक्कर जो है वो ठोस चीज है और उसे जब पानी में मिलाया जाता है, या नमक को भी देखो तो नमक भी ठोस चीज है, पानी में जब उसे डाला जाता है तो क्या होगा, वो घुल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म करा जाएगा तो क्या होगा, वो तली में वापस बैठ जाएगा, सिर्फ पानी क्या होगा, भाप बन के उड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, किसी ठोस की द्रव में विलेयता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, क्रियाकलाप द्वारा समझाइए, इसको भी समझाना है क्रियाकलाप द्वारा। तो देखो, एक बीकर में एक चम्मच शक्कर और दूसरे में एक चम्मच नमक मिलाते हैं और चम्मच से हिलाते हैं, दोनों विलेय की मात्रा पूर्वानुसार तब डाला जाता है जब तक घुलना बंद ना हो जाए, घुलने वाले नमक व शक्कर की मात्रा अलग अलग होती है, दोनों को गर्म करते हुए पुनः विलेय की कुछ मात्रा डालते रहने पर वह कुछ देर तक घुलता है, बाद में घुलना बंद हो जाता है, ठीक है। उपरोक्त क्रियाकलाप से स्पष्ट होता है कि तापमान बढ़ने पर विलेयता एवं निश्चित सीमा तक बढ़ती है, बाद में विलयन संतृप्त हो जाता है, ठीक है। ये संतृप्त का मतलब क्या है, संतृप्त देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मान लो मैं पानी में नमक मिलाते जा रहा हूँ या शक्कर मिलाते जा रहा हूँ, तो एक समय तक ही वो मिलेगा, समझ में आ रहा है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये टॉपिक का, ठीक है, एक समय तक ही मिलेगा, लेकिन अगर मैं उसे गर्म भी करने लगा और उसके बाद मिला रहा हूँ तो वो फिर से मिलना चालू हो जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, गर्म होने के कारण उसमें और आसानी से जो नमक है या शक्कर के जो कण है वो वापस फिर से क्या होने लगते हैं, घुलने लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर क्या होगा, बाद में वो गर्म होने के बाद फिर वो रुक जाएगा, ठीक है, गर्म जितना भी कर लो लेकिन उसका भी एक लिमिट है, ठीक है, लिमिट के बाद वो बंद हो जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं संतृप्त कहते हैं, ठीक है, संतृप्त हो गया। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल या जो टॉपिक समझा रहा है ये संतृप्त को ही समझा रहा है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है ये। इसके बाद देखो ये वाला प्रश्न, विलयन, कोलाइड तथा निलंबन में अंतर बताइए। तो देख लो, विलयन है, कोलाइड है, निलंबन है, क्या क्या होता है, यहाँ पे इसका उत्तर लगा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे इसे समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि विलयन को भी मैंने आपको बताया था, कोलाइडी और निलंबन को, तीनों को अलग अलग बताया था, अब इन्होंने क्या किया, तीनों को एक साथ यहाँ पे मर्ज कर दिया है। अब अंतिम प्रश्न देखो,
समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में आप कैसे अंतर करोगे? समांगी का शाब्दिक अर्थ समांगी अर्थात इसके घटक समान रूप से वितरित होते हैं। मिश्रण के प्रत्येक भाग या स्थान पर घटक या अवयव की मात्रा समान होती है। उदाहरण, कोई भी विलयन में विलेय की मात्रा विलायक में समान रूप से वितरित रहता है। शक्कर को पानी में घोलने पर प्राप्त विलयन समांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें घटक पदार्थ मिश्रण में एक समान रूप से वितरित न होकर इसका घनत्व भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण, गंदा पानी जैसे कीचड़ युक्त पानी को हम कहते हैं चाक पाउडर युक्त पानी है। ठीक है, तो समांगी और विषमांगी आपको समझ में आ गया होगा।